वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख देना वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख देना ताकि आज का डिस्कशन जल्दी से हम स्टार्ट कर लें चलिए आपके मैसेजेस आ रहे हैं यस yes, सर आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आज की आरटीएम सीरीज में रिवीजन थ्रू एमसीक्यू सीरीज में आपके साथ करंट अफेयर से जुड़े कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हमारे पेपर टू कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए अक्सर एग्जामिनेशन में देखा जाता है कि कुछ कंटेप्रेरी और कुछ करंट टॉपिक से सवाल आ जाते हैं और इस बार जो पेपर वन के एग्जामिनेशन अभी तक हुए हैं उसमें भी ऐसा देखने को मिल रहा है तो इसीलिए मैंने आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं आज हम आपके साथ ट्वेंटी एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं और आगे भी कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से जुड़े हुए तो ज्यादा एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा तेजी से आज के सेशन को हम चलाएंगे हाँ जी सभी को वेरी गुड इवनिंग हाय हेलो उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया है जी आप सब आ, बिल्कुल जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक बार हमारे कोर्सेज के बारे में बता देते हैं तो पेपर वन जो कि जनरल पेपर है उसके लिए मिनी कॉम्बो पैक जिसके अंदर आपको यूनिट वाइज नोट्स प्रीवियस ईयर पेपर और कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस मिलती हैं कंप्लीट कॉम्बो पैक सब कुछ मिलता है पेपर वन का पेपर टू कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए फ्री स्नैपशॉट नोट्स हैं एक्सप्लेन पास्ट पेपर्स हैं एनटीए वाले फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज है सभी यूनिट्स का वीडियो कोर्स है सभी कोर्सेज का कॉम्बो भी आप ले सकते हैं और एक्स्ट्रा 15% ऑफ वीडियो कोर्सेज पे प्रोमो कोड nta net लो जी आ चुके हैं पहले सवाल पे हाँ जी आ चुके हैं जी पहले सवाल पे पहला सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू उद्यम सखी पोर्टल एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पे यह सवाल जो पूछा गया है यह उद्यम सखी पोर्टल से जो पूछा गया है और स्टेटमेंट दी है इट एम्स टू एनकरेज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बाय हेल्पिंग देम टू स्टार्ट बिल्ड एंड ग्रो इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस तो कॉमर्स वालों के लिए बिजनेस एनवायरमेंट से जुड़ा मान सकते हैं इसे और मैनेजमेंट वालों के लिए तो स्पेशल यूनिट है एंटरप्रेन्योरशिप उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ सवाल है उद्यम सखी पोर्टल से जुड़ा हुआ चलिए जल्दी से आपको इस पोर्टल पर ले चलता हूं uh, उद्यम सखी पोर्टल हमारा किधर चला गया ये रहा लो जी हाँ जी आपके आंसर आ रहे हैं बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सही आंसर हैं जी आपके आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर थ्री है बोथ वन एंड टू बिल्कुल सही आंसर है आपका कि उद्यम सखी पोर्टल हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने शुरू किया है और क्यों शुरू किया है हमारी इंडियन वुमेन को प्रमोट करने के लिए एज एंटरप्रेन्योर्स ताकि उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सभी उनको यहां पे मिल सके साइट खोलने की कोशिश हम कर रहे हैं और ये ये खुल चुकी है साइट आप देख सकते हैं उद्यम सखी पोर्टल एंटरप्रेन्योरशिप uh, का प्रमोट करने के लिए सब बातें यहां पे लिखी गई है कैसे इनलाइटन करे गए सारी चीजें मार्केटिंग इंफॉर्मेशन फैसिलिटीज असिस्टेंस मेंटरशिप सब कुछ फैसिलिटी उनको दी जाएगी ठीक है जी एमएसएमई मिनिस्ट्री का ये हमारा पोर्टल है इनिशिएटिव है लो जी आगे आ चुके हैं जी अगले सवाल पे व्हाट इज इंडिया रैंक इन लार्जेस्ट रिसिपियंट ऑफ एफ इन 2019 थाउजेंड एज पर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 ट्वेंटी रिलीज बाई यू तो पूछा गया 2019 के अंदर एफडीआई के अंदर इंडिया का क्या रैंक है देखिए रिपोर्ट एक तैयार की गई वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 जिसके अंदर यह बताया गया कि हमारी टॉप कंट्रीज कौन सी हैं जिन्होंने एफडीआई रिसीव की है उसमें इंडिया का कौन सा रैंक है वो यहां पे पूछा गया है बहुत सीधा सीधा डायरेक्ट सवाल है जो कि आपको याद करना है तो माय डियर फ्रेंड्स इस रिपोर्ट के अंदर तो यहां पे बताया भी गया कि यूएसए ने टॉप किया है इस रिपोर्ट के अंदर इंडिया का रैंक जो है वो नाइन दिया गया है इंडिया इज इस नाइन्थ नाइन लार्जेस्ट रिसिपियंट ऑफ फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और डॉलर फिफ्टी बिलियन की एफडीआई लास्ट ईयर में इंडिया में आई है तो ये आपको याद कर लेना है कि इंडिया अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट है टॉप पे आता है तो ऐसा नहीं है नाइन्थ लार्जेस्ट है इंडिया एफडीआई में टू में अंदर तो ये डियर फ्रेंड्स आपको बताना था लोची बढ़ चुका हूं अगले सवाल पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा ज्यादा कमेंट्स नहीं देख रहा सवाल थोड़े ज्यादा हैं। नेम द कंपनी विच इज लॉन्च एन इनिशिएटिव नेम्ड प्रकृति टू ड्राइव वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी अमंग वुमेन इन इंडिया तो ये भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ा सवाल है ऑप्शंस हैं व्हाट्सएप माइक्रोसॉफ्ट गूगल फेसबुक चलिए आंसर्स आपके फिर से आ रहे हैं सी के आंसर आ रहे हैं मेरे पास तो माय डियर फ्रेंड्स ये भी बहुत सीधा सवाल है देखिए इसमें याद ही करना है आपको कि फेसबुक ने प्रगति इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है और ये भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का प्रमोट करने के लिए किया है उनको कुछ ग्रांट्स वगैरह भी दी जाएंगी ताकि अपने काम को और ज्यादा बढ़ा सके टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके ये सब चीजें आपकी इसके अंदर आती हैं फेसबुक ने लॉन्च किया है जी फेसबुक का इनिशिएटिव है प्रति पता होना चाहिए मैनेजमेंट वालों के लिए तो खासकर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेम द पोर्टल विच वॉज लॉन्च बाय पी मोदी टू हेल्प द स्मॉलर एमएसएमईज बाय रिजॉल्विंग दियर ग्रीवियंसिस एंड द कंप्लेंट्स रिसीव्ड ऑन दोर्टल तो एमएसएमई के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल अभी लॉन्च किया गया है बहुत ज्यादा न्यूज में है बहुत ज्यादा करंट अफेयर में है और आपसे पूछा जा रहा है उस पोर्टल का नाम क्या है MSMEs के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्टल हमारे लिए देखिए इस पोर्टल की अगर मैं आपसे बात करूं हाँ बिल्कुल आंसर आपके बिल्कुल सही देखने को मिल रहे हैं मुझे ऑप्शन सी के जो आंसर है वो बिल्कुल सही है देखिए ये है हमारा चैंपियंस पोर्टल ये लॉन्च किया गया है और ये हमारा है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस ंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ देखिये नाम रखना था चैंपियंस तो के लिए फुलफॉर्म भी बना दी सिंगल विंडो सिस्टम फॉर दस एम एस एम के लिए सिस्टम बनाया टू प्रमोटाइड एमपावर्ड रॉबर्ट एंड बंडल्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म फॉर हेल्पिंग एंड प्रमोटिंग द एमएसएमई दी कंट्री तो हमारे एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए उनकी हेल्प करने के लिए यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है चैंपियंस पोर्टल इसका नाम है और इसकी फुल फॉर्म अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लेना िएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ यह है हमारा चैंपियंस पोर्टल चलो जी एम एस एम ई को हम चैंपियन बनाना चाह रहे हैं यहां पर ठीक है जी ठीक है सर चलो अगले सवाल पे आ चुके अगला सवाल है हु हैजीन अपॉइंटेड हुन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विज अथॉरिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी का पहला चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा कि गांधीनगर गुजरात में हम एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बना रहे हैं और उसी कंटेक्स में एक अथॉरिटी भी बनाई गई है उस अथॉरिटी के पहले चेयरमैन अभी अपॉइंट किए गए हैं अब ये जो हमने बनाया, तो यहां पे इंटरनेशनल लेवल की और यहां ये जो अथॉरिटी बनाई है इसके चेयरमैन का नाम जो है वो है एनजेटी श्रीनिवास एनजेटी श्रीनिवास जो हैं हमारे पहले कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी रह चुके ऑफिसर हैं और इन्हें अपॉइंट किया गया है तीन साल के लिए और ये जो है हमारी रेगुलेट करेगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को इन गांधीनगर तो गांधीनगर के अंदर जैसा आपको बताया गुजरात के अंदर ये सेंटर बनाया गया है ये पहले की न्यूज है बट ये अथॉरिटी जो है ये अभी की न्यूज है ठीक है जी चलो आ गए हैं अगले सवाल की तरफ अगले सवाल की तरफ आ गए द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फॉर्मड अ कमेटी हेडेड बाय राजनाथ सिंह फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई व्हाट इज द अमाउंट दैट वाज एलोकेटेड अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे एमएसएमई सेक्टर के एमएसएमई uh, सेक्टर के ऊपर जो स्ट्रेस है उसे दूर करने के लिए एक उनके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की है ताकि उन्हें क्रेडिट मिल सके और उस स्कीम के लिए कॉर्पस क्रिएट किया है कुछ पैसा अलग से दिया है वो कितना पैसा अलग से दिया है वो आपसे इस सवाल में पूछा गया है चलिए आपके आंसर आ रहे हैं यहाँ पे इसका जो आंसर है बहुत सीधा डायरेक्ट आंसर है कुछ समझाने वाला नहीं है जी इसके अंदर इसका आंसर है जी सीधा सीधा ऑप्शन फोर थ्री लाख करोड़ थ्री लाख करोड़ जो है वो अलग से इसके लिए रखा गया है ताकि हमारे जो एमएसएमई हैं उन्हें लोन मिल जाए और यहाँ पे एक अलग से गारंटी ट्रस्ट कंपनी भी बनाई गई है ये गारंटी देगी कि एमएसएमई को जो पैसा दिया गया वो सेफ रहेगा ये आपकी फैसिलिटी बनाई गई है इसके ऊपर एक और सवाल भी आगे आएगा चलो हाँ जी चलो जी चलो इतना लंबा मधु मेघानी कह रहे हैं इतना लंबा <laughs> तो ले एक बार आपने पढ़ लिया ना एग्जामिनेशन में आपको याद आ जाएगा चैंपियंस का नाम फुल फॉर्म कह रहे हैं आप कोई बात नहीं एक बार पढ़ लिया एग्जामिनेशन में याद आ जाएगा जी अगला सवाल भी बहुत सीधा डायरेक्ट सवाल है व्हाट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम व्हेन इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डे ऑब्जर्व एनुअली एम डे कौन से दिन को ऑब्जर्व किया जाता है वो आपसे पूछा जा रहा है तो ये भी माई डियर फ्रेंड्स हमारे बिजनेस से जुड़ा सवाल है एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ा सवाल है सीधा सवाल है कुछ समझाने वाला नहीं है आपको ये याद करना होगा कि कौन से दिन हमारा एमएसएमई डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसका सीधा आंसर है 27 जून को हमारे यूनाइटेड नेशंस ने इस डे को डिक्लेयर किया है एज एम डे टू रिकोग्इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम टू द ग्लोबल इकोनॉमी एम हमारे लिए बहुत जरूरी हैं और इन्हीं की कॉन्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने ट्वेंटी जून जो है उसे एम एस डे डिक्लेयर किया है तो ये डियर फ्रेंड्स आपको पता होना जरूरी है हाँ जी पूजा बाद में यूट्यूब वीडियो रहेगी आप बाद में देखना चाहें बाद में देख सकते हैं चलो एक और सवाल आ गया एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम पे कहा गया हाउ मच इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट जो कि गारंटी किया गया है अंडर दिस एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम तो आपसे पहले डिस्कस किया था कि कितना कॉर्पस इसके लिए रखा गया है और हम हम हाँ आपसे पूछ रहे हैं कि कितना मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है हम एमएसएमई को देंगे इस स्कीम के अंदर तो बताया गया यहां पर जो हैं वो एलिजिबल होंगे स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए उन्हें क्रेडिट मिल जाएगा कब मिलेगा अगर उनका जो टर्नओवर है वो ढाई सौ करोड़ तक है और उनके आउटस्टैंडिंग लोन पचास करोड़ तक है उनको कितना लोन मिलेगा मैक्सिमम लोन अमाउंट जो मिलेगा स्कीम के अंदर उसे पांच करोड़ से बढ़ाकर दस करोड़ कर दिया गया तो यहां पर आंसर होने वाला है दस करोड़ आ, तो बिल्कुल सीधा सवाल था देखिए एमएसएमई से जुड़ा सवाल था मैनेजमेंट वालों के लिए तो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है कुछ मैनेजमेंट वालों के लिए रेलिवेंट सवाल थोड़े ज्यादा रखे हैं क्योंकि उनका एग्जामिनेशन हमारा थर्टी को ही आने वाला है तो मैं चाहता हूं कि ऐसे सवाल ज्यादा से ज्यादा पहले ही डिस्कस हो जाए कॉमर्स वालों के साथ तो अभी आराम से भी डिस्कशन हम कर सकते हैं फिर भी कॉमर्स वालों के लिए भी ये सवाल इंपॉर्टेंट है सवाल नंबर नौ इन द वेक ऑफ कोरोना वायरस फियर्स रिसेंटली द बाल्टिक ड्राई इंडेक्स सैंक टू ऑल टाइम लो जिंग इन टू नेगेटिव टेरिटरी वट इज ट्रैक्ड बाय बाल्टिक ड्राई इंडेक्स इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़ा सवाल है इंटरनेशनल शिपिंग से जुड़ा सवाल है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो है किसे ट्रैक करता है क्रूड ऑयल प्राइसेस को फ्रेट रेट्स को टूरिस्ट अराइवल को या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट को रिम्पल कटैरिया कह रहे फाइव मिनट सीरीज करेंगे तो नेट क्लियर हो जाएगा क्या बहुत मुश्किल है कि फाइव मिनट सीरीज करके आपका नेट क्लियर हो जाए अगर आपके सारे बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर है तो आप करके हो सकता है कर भी जाए क्लियर बस देखिए गारंटी कोई नहीं है उस चीज की आप कम से कम हमारे फ्री स्नैपशॉट नोट्स पढ़िए साथ में और कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर सॉल्व कीजिए ज्यादा खर्चा आपको करने की जरूरत नहीं है कम से कम इतना पढ़ लीजिए जो लिमिटेड टाइम है तो कहीं ना कहीं आपका चांस बनता है चलो तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स ये जो ट्रैक करता है थोड़े से गलत आंसर आपके आ रहे हैं जो ट्रैक करता है ये फ्रेट रेट्स को ट्रैक करता है इट ट्रैक्स फ्रेट रेट्स फॉर वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्गो शिप्स तो कार्गो शिप्स का जो भाड़े का रेट होता है उसकी ट्रैकिंग करता है जब सामान मूवमेंट रहेगी सामान की तो तो भाड़ा बढ़ेगा तो इंडेक्स बढ़ेगा बट अब कोरोना वायरस करके हमारा जो माल है उसकी मूवमेंट रुक गई और इसीलिए जो इंडेक्स है ये भी गिर गया तो फ्रेट के रेट्स को ट्रैक करता है ये आपको पता होना चाहिए लो जी इंडिया एस एम ई सर्विसेज प्लेटफॉर्म इज ए डिजिटल इनिशियेटिव ऑफ विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है जी कॉमर्स वालों के लिए इंडिया एस एम ई सर्विसेज प्लेटफॉर्म इज डिजिटल इनिशियेटिव ऑफ विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया सिडबी नाबार्ड एन एच बी या फिर एक्जिम सर एस एम ई से जुड़ा हमारा है सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया तो इसी का ये इनिशियटिव होगा जी बिल्कुल हमारा लखनऊ बेस्ड सिडबी जो है उसी ने लॉन्च किया है अ डिजिटल प्लेटफॉर्म नेम्ड इंडिया एस एम ई सर्विसेज प्लेटफॉर्म और यह प्लेटफॉर्म क्या करेगा हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एम एस एम ई सेक्टर को कि कैसे ऑपरेशन स्टार्ट करे कैसे उन्हें पैसे मिल जाएंगे और अदर सपोर्ट सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करेगा सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसकी जानकारी भी उनको इस प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर वन सिडबी ठीक है हाँ सिडबी है जी इसका आंसर बहुत बढ़िया नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर विच मिनिस्ट्री नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है वो आपसे पूछा गया है देखिए हमारे देश के अंदर हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है हमें देखना है कि हमारे देश में एफिशिएंटली काम हो इफेक्टिवली काम हो ऑप्टिमम प्रोडक्शन हो क्वालिटी का काम हो और इसीलिए एक नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल भी बनाई गई है आपको बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर बनाई गई है चलो तो अगर आपको बताए कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर बना रखी है तो माय डियर फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आपको लग ही रहा होगा कि ये हमारी कहीं ना कहीं ट्रेड से जुड़ी है कॉमर्स से जुड़ी है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ही इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया बहुत ही लॉजिकली नाम से क्लियर है और आपको ऐसे ही इसे याद रखना है और यहां पे एक और चीज बताई गई कि हमारे जो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी वो इसके चेयरमैन हैं यूनियन कॉमन कॉमर्स मिनिस्टर इस प्रोडक्टिविटी काउंसिल के चेयरमैन है ठीक है जी ठीक है सौरभ so को माई पूछ रहे फाइव मिनट सीरीज कब से दोबारा शुरू होगी फाइव मिनट सीरीज इतनी ज्यादा पसंद है क्या आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो शुरू कर लेंगे बहुत जल्दी आपका हमें कमेंट चाहिए फीडबैक चाहिए अगर अच्छा है तो करेंगे जल्दी से शुरू व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स इन इंडिया तो इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़ा सीधा सीधा सवाल है डायरेक्ट सवाल है न्यूज में भी था ये हमारे इंडिया के अंदर कितनी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है देखिए अलग अलग गुड्स को एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हमने बनाई हैं और टोटल कितनी ऐसी काउंसिल्स बनाई हैं वो सवाल आपसे यहां पे पूछा गया है बहुत सीधा डायरेक्ट सवाल है वन ईयर में नेट की तैयारी बहुत आराम से हो जाएगी मैं कहता हूं तीन महीने अगर तुम शिद्दत से पढ़ाई कर लो तो नेट की तैयारी आराम से पूरी हो सकती है एक महीना जो बचा है जो कुछ दिन पड़े हैं कॉमर्स वालों के लिए अगर वो भी इसमें शिदत से तैयारी कर लें तो कहीं ना कहीं हो सकता है तुक्का लग ही जाए और एग्जाम निकल जाए तुक्का कभी भी लग सकता है चलो हाँ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के बारे में बता रहा था तुम्हें तो फोर्टीन है प्रदीप संधु जी आपका आंसर यहां बिल्कुल सही था मोनिका और स्वाति ने भी बिल्कुल सही बोला कि हमारी जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो बिल्कुल हमारी फोर्टीन है हमारे देश के अंदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स कितनी है फोर्टीन है ये आपको याद रखना है आई थिंक इसकी डिटेल हमें जो मिलेगी वो मिल जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की साइड से देखो जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की साइड पे आए हम तो वहां पे लिखा गया कि हमारे पास 14 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं और लो जी खुल भी गई सारी आ, कुछ आपकी केमिकल्स से जुड़ी हैं कुछ आपकी लेदर एक्सपोर्ट कुछ स्पोर्ट्स कुछ जेम एंड ज्वेलरी कैशू ये सारे अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई हमारे पास एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं ठीक है जी बिल्कुल ठीक है लो जी अगले सवाल पे आ गए हैं। अगले सवाल पे आ गए हैं जी इंडिया रिसेंटली रिवाइज इट्स फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी विद द ऑब्जेक्टिव आप सभी ने सुना होगा कि इंडिया की एफ पॉलिसी कोरोना वायरस के टाइम्स में ही रिवाइज की गई क्यों रिवाइज की गई हमारे मेडिसिन एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स जो हैं उन्हें रोकने के लिए या फिर फॉरनर्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो हमारी इंडियन फर्म्स को टेक ओवर करें क्यों हमारी पॉलिसी चेंज की गई आ, रिसर्च के एमसीक्यू कर लेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है एजुकेशन स्टडी पूछ रहे मैनेजमेंट के लिए आप रिवाइज करो जी मैनेजमेंट के लिए आपको ज्यादा नया पढ़ने की जरूरत नहीं है ये करंट अफेयर्स जो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इन्हें एक बार देख लेना करंट अफेयर्स की एक दो वीडियो और आपके साथ लेकर आएंगे शेयर करेंगे क्योंकि जैसा हमने देखा कि थोड़ा पेपर वन में ट्रेंड देखने को मिला हो सकता है पेपर टू में भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिले सीधे सीधे डायरेक्ट सवाल बहुत टेढ़े वाले सवाल आपके साथ काफी डिस्कस कर लिए थे सीधे सीधे वाले सवाल मेरे अकॉर्डिंग कुछ रह गए थे और इसीलिए आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और आपका आंसर जो है वो यहाँ पे ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है जी यहाँ पे आंसर आप सभी ने सुना होगा कि जो चाइना है चाइना इनडायरेक्टली इंडिया में पैसा रूट कर रहा है इंडिया की जो हमारी बिजनेस हाउसेज हैं कोरोना वायरस करके दिक्कत में है फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है तो वो इनडायरेक्टली क्या कोशिश कर रहा है कि हमारी इंडियन कंपनीज के अंदर वो स्टेक एक्वायर कर ले ऐसी कोशिश थी हमारी चाइना की वो डायरेक्टली नहीं इन्वेस्ट कर रहा इनडायरेक्टली घुमा फिरा वो रूट करके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और इसीलिए हमने अपनी एफडी पॉलिसी चेंज करी थी विद रिगार्ड टू तो अवर नेबर्स तो कहा गया था कि हमारी जो नेबरिंग कंट्री है अगर उसे इंडिया कंपनी के अंदर स्टेक खरीदना है तो पहले उसे सरकार की अप्रूवल लेनी पड़ेगी तो जो भी कंट्री इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है तो वो केवल सरकार की परमिशन लेके गवर्नमेंट रूट से ही एफडीआई कर सकती है ऑटोमेटिक रूट से नहीं इन्वेस्ट कर सकती तो ऐसा हमने इसलिए किया था ठीक है जी हाँ बिल्कुल शिवम कुमार बिल्कुल सही बोला आपने एच डी एफ सी बैंक में किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू क्रिएट अ अट्रॉन्ग इकोसिस्टम टू नर्चर इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन इंडिया हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल तो स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल हमारी सरकार ने बनाई है ताकि हमारी सरकार को एडवाइज कर सके कि कैसे हमारे स्टार्टअप को प्रमोट करें नर्चर करें उस काउंसिल के चेयरमैन कौन है जी ये सवाल सीधा सीधा आपसे पूछा गया है तो यहां पे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टार्टअप कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड कॉमर्स से जुड़े हैं और इसीलिए हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वही इसके चेयरमैन होने वाले हैं तो आंसर ऑप्शन वन है थैंक यू एवर एजुकेशन स्टडी जी बहुत अच्छा लगा सुनकर विच इज आर ट्रू अबाउट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इट इज अ अट ऑफ नीति आयोग इट ऑर्गेनाइज वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड टू थाउजेंड नाइनटीन ऑन दिन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे बोथ ऑफ या फिर नन ऑफ दी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म से जुड़ा सवाल है और जहां तक मुझे याद है इसकी साइट हमने खोल के रखी थी हाँ जी तो यहां पे आप देख सकते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के बारे में ये जो प्लेटफॉर्म है आप सबसे ऊपर देख रहे हैं नीति आयोग का नाम लिखा है तो नीति आयोग ने इसे सेट किया है ताकि हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रुण सपोर्ट प्रोवाइड कर सके आठ मार्च दो को इसे फॉर्मली लॉन्च किया गया था और आठ मार्च को ही माय डियर फ्रेंड्स हमारा इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पे असिस्टेंस मार्केटिंग की सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स फंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस ये सब चीज़ों की असिस्टेंस यहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को दी जाएगी तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई तो आप इसकी साइट विजिट करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी विमेन एंटरप्रेनरशिप के बारे में चलो हाँ तो अभी इसने 8 मार्च 2020 को न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने अवार्ड्स कुछ दिए थे वुमेन एंटरप्रेनर्स को तो ये न्यूज़ में था इसीलिए सवाल पूछा गया ठीक है हाँ थैंक यू शिवानी मिश्रा जी एज पर रिवाइज एम डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मैनेजमेंट वालों के लिए तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है एज पर रिवाइज एमएसएमई डेफिनेशन एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी एमएसएमई स्टेटस वुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट एनुअल टर्न ओवर बोथ ऑफ दी अबव या फिर नन ऑफ दी अबव पेपर वन का स्नैपशॉट ऐसे अवेलेबल नहीं है बट हमारा फाइव नाइनटी नाइन का मिनी कॉम्बो पैक है उसके अंदर आपको पेपर वन का ढेर सारा कंटेंट मिल जाता है आप वो ले लो आपको नोट्स मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे बहुत कुछ मिल जाएगा पेपर वन का वीडियोस भी मिलेंगी कुछ कुछ कुछ, कुछ पेपर वन की वो ले सकते हो आप आ, आंसर आ रहे हैं जी आंसर आ रहे हैं ऑप्शन थ्री के हा बिल्कुल मैनेजमेंट और कॉमर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट वालों के लिए बहुत कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एमएसएमई वर्ड उनका डायरेक्ट सिलेबस में मेंशनड है हाँ बिल्कुल बोथ इसका आंसर होने वाला है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिवाइज क्लासिफिकेशन दी गई है एक जुलाई 2020 से तो उसके अंदर हम दोनों चीजें देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी में कितने पैसे लगाए और कितना एनुअल टर्नओवर है तो अगर हमारी किसी एंटरप्राइज की प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो एक करोड़ से ज्यादा नहीं है और एनुअल टर्न उसका पांच करोड़ से ज्यादा नहीं है तो हम उसे क्या बोलेंगे माइक्रो अगर किसी का हमारा जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में दस करोड़ तक है और टर्नओवर ओवर पचास करोड़ तक है तो स्मॉल है और मीडियम में अगर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और टर्नओवर ओवर करोड़ तो वो मीडियम के अंदर आ जाएगी तो ये क्राइटेरिया आपसे बना दिया गया पहले क्राइटेरिया और होता था अब क्राइटेरिया और हो गया है बहुत इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स का सवाल इसे स्किप मत करना इसे हमेशा करके जाना है चलो जी बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स ये हमारा एक सर्वे है जो कि क्वार्टरली बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन इस इंडेक्स को रिलीज करता है क्वार्टरली बेसिस पे बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स पे सवाल पूछा गया है क्या नीति आयोग करता है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च करता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन या फिर सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च कमलेश मचरा जी कह रहे हैं हेलो, हेलो जी। ये भी एक सीधा सवाल है बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स से जुड़ा हुआ हमारा जो इंडिया का इकोनॉमिक थिंक टैंक है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च देखिए इकोनॉमिक रिसर्च करने का काम जो है इसे जिम्मेदारी दी गई है और इसीलिए ये बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिलीज करता है बताता है कि कितना कॉन्फिडेंस है हमारे बिजनेस हाउसेस को तो इसने जो है बताया कि मार्च में रिलीज किया था और उसके अंदर पता चला कि इंडेक्स जो है 77.3 हो चुका है जो कि लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है तो यहां पे कुछ चिंता की बात थी कि लोगों का बिजनेस से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो रहा है तो इसीलिए ये भी न्यूज में था तो इसीलिए सवाल आपसे पूछा चलो जी इंस्टाग्राम में एजुकेशन स्टडी पूछा इंस्टाग्राम में टेलीग्राम में तो आएगी थी इंस्टाग्राम में नहीं आएगी सवाल नंबर अठारह रिसेंटली सेबी हैज अलाउड कंपनीज टू रेज फंड शॉर्टर इंटरवल्स बाई चेंजिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट रूल्स हु कैन पार्टिसिपेट इन क्या आई पी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है ये आपसे पूछा गया इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोथ ऑफ दब या फिर नफ दी डी एफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे जी कोई दिक्कत की बात नहीं है देखो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट पे सवाल है कंटेक्स करंट है बट सवाल जो है वो कंसेप्चुअल है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट पे सवाल है तो सर इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है तो इंडिविजुअल तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कौन पार्टिसिपेट करेगा केवल हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे हमारे बैंक हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो इसके अंदर आपके पार्टिसिपेट करेंगे जनरली जो आपका आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है एफ देखिए जब कंपनी पहली बार अपने शेयर मार्केट में उतारती है तो उसे आईपीओ नाम देते हैं अगर दूसरी बार मार्केट में उतारे तो उसे एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का नाम देते हैं कई बार कंपनी इन झंझटों में पढ़ना नहीं चाहती कि आईपीओ एफपीओ करेंगे बहुत झंझट है तो ऐसा करो कोई बड़ा बायर ढूंढ लो उसे शेयर बेच दो तो ये हमारा होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट तो केवल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इसलिए आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू ठीक है जी बिल्कुल टू होगा ये आंसर काफियों का सही आया बहुत बढ़िया जी लो जी अगला सवाल वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट 2020 इंडिया की रैंकिंग क्या है यह आपको बताना है वर्ल्ड बैंक आपको पता ही होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग रिलीज करता है उसमें पूछा गया कि इंडिया का रैंक कितना है टेंथ है सिक्सटी है एक है एक है आपको बताना है जी ये तो आपने पक्का सुना होगा और हमने भी सवाल पूछा होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग कौन रिलीज करता है बट ये जो करंट का सवाल आपसे पूछा है यहां पे इंडिया की रैंकिंग पूछी है और आपको ये याद रखना है कि जो इंडिया का रैंक है माय डियर फ्रेंड्स वो हमारा 63 है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में इंडिया का रैंक सिक्सटी है ये करंट का सवाल है इसीलिए आपसे ये पूछा गया है हाँ बिल्कुल सिक्सटी काफी सही आंसर आया आपके बिल्कुल सिक्सटी है जी चलो इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को और देखना चाहोगे क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक लो जी डूइंग बिजनेस डॉट ओवर जी लो जी वर्ल्ड बैंक की आ गई हमारी वर्ल्ड बैंक आईबीआरडी आई डी ए बड़ा बारीकी से चीजों को देखना चाहिए हमें है ना डूइंग बिजनेस रेगुलेशन डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है हमारी उसके ऊपर कुछ बातें कही हैं तो बोला गया इकोनॉमीज को रैंक करते हैं एक वन से वन नाइन्टी तक रैंकिंग आती है तो मतलब वन नाइन्टी कंट्रीज को हम यहाँ पर रैंक करते हैं तो हमारे टेन टॉपिक्स हैं जिनके बेसिस पर रैंकिंग दी जाती है तो यहाँ पर रैंकिंग टेबल डाउनलोड करना है तो वो भी पूछा गया और यहाँ पर रैंक भी दे रखे हैं तो आप देख रहे हैं कि पहला रैंक किसका दिया है पहला रैंक न्यूजीलैंड को दिया है इंडिया को देखे कहाँ पे है लो जी इंडिया हमारा है 63 पे आपने देखा 63 पे हमारा इंडिया आ रहा है तो ये डियर फ्रेंड्स हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स हैं, ठीक है जी ठीक है सर लो आगे जी बीसवें सवाल पे हाँ क्या पूछ रहे थे इंडिया हैज़ मूव 14 प्लेसेस टू बी सिक्सटी पहले आई थिंक 77 था रैंक अब 63 है हाँ फर्स्ट पे न्यूजीलैंड है हाँ बीसवें सवाल का आंसर भी भेज दिया है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी इंटरनेशनल प्रोडक्शन बियॉन्ड द पेंडेमिक इज रिसेंटली रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक या फिर यू एन तो ये सवाल आपसे पहले भी इंडायरेक्टली पूछा जा चुका है आई थिंक पहला या दूसरा सवाल था जहां पे आपसे इन्वेस्टमेंट के ऊपर सवाल पूछा था कि इंडिया का एफ में कितना रैंक था आपको बताया था कि हमारा नाइन्थ रैंक था और यू एन आपको बताया था कि यू एन जो है हमारा ये रिपोर्ट को रिलीज करता है यूएनसीटीएडी के बारे में जानते हैं क्या आप? यूएनसीटीएडी हमारा है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसकी साइट पे चलना है क्या यूएनसीटीएडी की एक बार साइट का चक्कर कटा लाता हूं आपको लो जी सर घूमने चलना है लोग घूमने चलते हैं कहीं और तो जा नहीं सकते क्योंकि बाहर तो कोरोना है तो हम यूएनसीटीएडी की साइट घूमकर आते हैं लो जी शंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका मोटो क्या दिया गया प्रोस्पैरिटी फॉर ऑल ये इसका मोटो दिया गया और इसके बारे में अबाउट पे क्लिक करते हैं और कुछ जानेंगे इसके बारे में है ना कुछ कुछ तो जान ही लेंगे तो बताया गया जी क्या करता है ये यूएनसीड इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1964 में एस्टेब्लिश की थी इसके हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है और इसके साथ साथ इसके ऑफिस न्यूयॉर्क में भी हैं और एडी सबाबा जो कि इजिप्ट में है वहां पे भी इसके ऑफिस हैं यूएन सेक्रेटेरिएट का पार्ट है उसे रिपोर्ट करता है और यहाँ पे बोला गया uh, कि इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यू डेवलपमेंट ग्रुप ठीक है ये सब बातें बताई गई इसका एड्रेस आप देख सकते हैं जेनेवा का एड्रेस है इसका फोन नंबर दिया है अगर आप फोन करके पूछना चाहो इससे कुछ तो वो भी पूछ सकते हो एनुअल रिपोर्ट इसकी देखने को मिल रही है पब्लिकेशन जो है अगर हम इसमें क्लिक करें तो पक्का हमें वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट देखने को मिलनी चाहिए देखो पब्लिकेशन पे क्लिक किया तो इसके फ्लैगशिप रिपोर्ट आ गई फ्लैगशिप रिपोर्ट के अंदर एक तो आ रही है जी ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 और एक आ रही है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी जिसपे सवाल आपसे पूछा गया लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट टू ये भी इसकी एक रिपोर्ट है तो ये ऊपर ऊपर जो दे रखी है ये कुछ इंपॉर्टेंट लग रही हैं तो इनके नाम आप याद कर सकते हो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट इनके बारे में आप याद कर सकते हो तो लेटेस्ट पब्लिकेशन में सबसे ऊपर आ रहा है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 22 सितंबर को यानी कि अभी चार दिन पहले ही इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है इस रिपोर्ट को हमने क्लिक किया तो इसके अंदर क्या बताया गया फ्रॉम ग्लोबल पेंडेमिक टू प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल इसका कुछ मोटो दिया गया है हाँ वही कोरोना वायरस पैंडमिक की बातें कर रखी हैं चलो इसके डिटेल में नहीं जा रहे फिलहाल है ना हम चलो इतनी बातें यून सी के बारे में बहुत हैं तो माइ डियर फ्रेंड्स आज आपके साथ हमने ये ट्वेंटी क्वेश्चन किए आमतौर पर दस सवाल डिस्कस करते हैं बट आज सीधे सवाल थे डायरेक्ट सवाल थे तो थोड़े से बढ़ा दिए बट बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ाए क्योंकि इनको याद करना है आपको तो धीरे धीरे कुछ कुछ सवाल आपको डेली याद हम करवाते रहेंगे और कुछ आसपास का ज्ञान भी डेली आपको देते रहेंगे तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स हमारे साथ आज जुड़ने के लिए अगर आपको यह पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए कोई क्वेरी है तो मेल कर सकते हैं व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए फेसबुक और टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी फ्री लर्निंग ऐप भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं हाँ जी सभी के थैंक यू आ रहे हैं बट आज तो लाइक्स बहुत ही कम है यार बीच में मैंने बोला नहीं लाइक कर दो तो आज लाइक कम कर दिया आपने ऐसा किया आज आपने मेरे साथ आज आपने मेरे साथ ऐसा किया जी हां जी मोस्ट वेलकम सुमित शिवम अप क्लासेस श्रुति एजुकेशन स्टडी नताशा मोनिका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे आई थिंक हम पहले एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं हमारी साइट पे मिल जानी चाहिए आपको वीडियो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे हाँ मोस्ट वेलकम अमीरा निहारिका निर्मल रश्मि सना इंडस शिबाशीष ओके मोनिका जी थैंक यू जॉयल निकिता बहुत बढ़िया निहारिका जी चलो बहुत बढ़िया किया हाँ तो ये आपके साथ आज 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इसका पीडीएफ मैं डाल देता हूं टेलीग्राम के ऊपर और आगे भी आपके साथ ऐसे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे पेपर वन के भी करेंगे और पेपर टू के भी करेंगे चिंता मत कीजिए काफी सारे एमसी आपके साथ करंट अफेयर्स के डिस्कस कर लेंगे चिंता मत कीजिए चलो बहुत बढ़िया जी हाँ तो मैं इस सेशन को अब यहां पे एंड करता हूं ठीक है जी आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट